एक और तस्वीर है, ये आपने कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर भी देखी होगी। मोदी जी और उनकी परछाई, और उनकी परछाई में अडानी जी नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही होता दिख रहा है। और तस्वीर दिखाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि एक बिजनेसमैन, दावे के साथ ये कह सकती हूं, कोई और होता या कोई और सरकार होती तो ईडी, एसएफआईओ, एमसीए, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इनकम टैक्स, सेबी, आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटर, ऐसी तमाम वो संस्थाएं अभी तक इसमें कूद पड़ी होती। लेकिन भाई सैयाब है कोतवाल तो डर काहे का, कोई चू ही नहीं कर रहा है, कोई शब्द ही नहीं बोल रहा है। वित्त मंत्री ने जुलाई 2021 में कहा था सेबी कुछ तफ्तीश कर रही है अडानी समूह पर। 18 महीने हो गए वित्त मंत्री के मुंह से अडानी नहीं निकलता है, प्रधानमंत्री पानी पीने लगते हैं अडानी का नाम सुनकर, और सेबी क्या कर रहा है ये किसी को पता ही नहीं है। और वो सेबी, वो मार्केट रेगुलेटर जहां पर अडानी जी के संबंधी मेंबर है सेबी बोर्ड के, आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, जिस सेबी को आपको इन्वेस्टिगेट करना है उसके बोर्ड पर आपके लड़के के ससुर आपके संबंधी मेंबर है सिरिल श्रॉफ जी, और सरकार चुप है। आरबीआई ने बैंकों से पूछा आपका कितना एक्सपोजर है, इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा चुप बैठा हुआ है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का एक केस चल रहा है अडानी जी के खिलाफ, अगर चाहे तो बस उसी का दायरा बढ़ा दे, सारी तफ्तीश हो जाएगी, सुई पटक सन्नाटा। एसएफआईओ चुप, ईडी चुप, लेकिन अभी कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी होगा तो ईडी के साहब सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो ये असलियत है।